हेलो एवरीवन दिस इज विपिन फ्रॉम क्लट प्रेप इंस्टीट्यूट कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन जो हम लास्ट टू वीडियोस में कर रहे थे आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं एडल्ट्री एंड द डेट पेनल्टी रिपोर्ट सो लॉ ऑफ द एडल्ट्री में जो अभी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया है जिसमें ये बोला है कि जो एडल्ट्री लॉ है वो आर्म फोर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा पहले एक चीज समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती क्या है कोई भी जहां पे जिस भी पांच जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फॉर्म करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच राइट यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस एक साथ बैठते हैं बट अगर कोई जजमेंट अगर कोई टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है किसी बड़े इंपॉर्टेंट लीगल मैटर है कोई तो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनती जिसमें मिनिमम जजेस का पांच जजेस होना क्वायर्ड है राइट इसको अब हम लोग आगे करते हैं ओके okay. सो so, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने यह समझते हैं एक बार कि एडल्ट्री जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा आर्म फोर्सिस के ऊपर एडल्ट्री होता क्या है पहले यहां से समझते हैं सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑफ अ मैरिड पर्सन विदर्ड पर्सन अदर देन दाउस अब ये अंडर सेक्शन फोर नाइनटी सेवन ऑफ आई पी सी इट वॉज पनिशेबल टिली दी 2018 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया अब एक पिक्टोग्राफिकल चीज से समझते हैं थोड़ा सा कि क्या था इसमें ओके okay, अब होता क्या है एडल्ट्री लेट से ए इज अ पर्सन ओके ए हजबेंड है बी वाइफ है अगर ये वाइफ एक सेक्शुअल इंटरकोर्स करती है विद दिस पर्सन मेल इवन विद कंसेंट दिस थ्री वुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री राइट एंड यहां पे वाइफ की कंसेंट ए, ए मटेरियल है इसकी कोई कंसेंट वेदर शी विश टू प्रोसिक्यूट द पर्सन ये यहां पर एम है और वाइफ को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता था प्रोसिक्यूट किसे किया जाएगा सी को राइट right? किसकी कंसेंट से की कंसेंट से तो अगर बी वाइफ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है विद अदर मेल अदर देन दी हस्बैंड देन हस्बैंड की कंसेंट से उस थर्ड पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अब इसके पीछे लॉजिक क्या था इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि जो विमेन है विमेन विमें है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी हस्बैंड की जिस तरीके से चोरी करना एक ऑफेंस होता है सो सपोज इफ समवन इज स्टीलिंग माय प्रॉपर्टी इफ समवन इज डैमेजिंग माय प्रॉपर्टी इट इज इक्वलिंग टू द सेम थिंग सो आउटसाइडर द आउटसाइडर हैज कॉज डैमेज टू माई प्रॉपर्टी विमेन माई वाइफ देन द पर्सन शुड बी प्रोसिक्यूटेड विद माई कंसेंट राइट इसमें विमेन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता अब टू थाउजेंड एटीन में हमारे सी जी आई थे जस्टिस दीपक मिश्रा उन्होंने ये बोला कि विमेन एक प्रॉपर्टी नहीं है एंड लॉ ऑफ द एडल्ट्री वॉज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया इन टू थाउजेंड एटीन लेकिन अभी भी एडल्ट्री एक डाइवोर्स का ग्राउंड तो है अगर आज की डेट में एक विमेन आउटसाइड द मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है देन हस्बैंड कैन लीगली टेक डाइवोर्स राइट एंड वाइफ कैन ऑल्सो टेक डाइवोर्स इट इज अवेलेबल टू बोथ द पर्सन बट जो एडल्ट्री का जो लॉ है जिसमें एक आउटसाइडर को प्रोसिक्यूट किया जाता है वो अब इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों रहा क्यों कॉन्टेक्ट में आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आर्म्ड फोर्स के जो लॉज हैं आर्म्ड फोर्स के जो पर्सन है उनके ऊपर एडल्ट एडल्ट्री अभी भी एप्लीकेबल होगा अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्म्ड फोर्स आर्म्ड फोर्स के जो भी पर्सन है बी इट नेवी बी इट एयरफोर्स बी इट टेरिटोरियल आर्मी उनके फंडामेंटल राइट को करटेल किया जा सकता है उसके पीछे सीधा सा लॉजिक है नेशनल नेशनल सिक्योरिटी सो आर्टिकल थर्टी थ्री अलाउ करता है कि आर्म्ड फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बिकॉज जो राइट टू यूज इंटरनेट राइट टू ट्रेवल राइट टू डिस्क्लोज वॉट एवर कम्स इन माई माइंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर ये आर्म फोर्सिस को देने लग जाएंगे हम लोग देन इट वुड बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द नेशनल सिक्योरिटी दे माइट कॉज हार्म टू द नेशनल सिक्योरिटी सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिसिप्लिन फंडामेंटल राइट आर्म फोर्स के रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एडल्ट्री लॉ इनके ऊपर क्यों एप्लीकेबल किया गया है उसके पीछे लॉजिक है ए एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ किसी आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रह रहा है लेट्स से पाकिस्तान के बॉर्डर पे फॉर अ टाइम बी नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रिंग हिज वाइफ टू दैट प्लेस बिकॉज थिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड हेयर नाउ ज वाइफ इज लिविंग अलोन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली इसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिए हैं कि अगर ये किसी के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है देन द पर्सन सी वुड बी हेल्ड लाइबल जो आर्मी के ही मेंबर होंगे राइट सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मैरिज ऑफ दिस पर्सन सर्विंग द कंट्री राइट इनके ऊपर एडल्ट्री एप्लीकेबल होगी यह सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट रूलिंग आई है राइट right? सो so अगर हम लोग इस टॉपिक को समराइज करते हैं तो एडल्ट्री एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है आउटसाइड द मैरिज राइट right? एक्से अपार्ट फ्रॉम स्पाउस जिसमें अगर कोई विमेन सेक्शुअल इंटरकोर्स करती है अपार्ट फ्रॉम हर देन हजब थर्ड पर्सन वुड बी फॉर ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री राइट ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था राइट बट अंडर आर्टिकल 33 थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्म्ड फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है राइट सो इफ वी आर सस्पेंडिंग देयर फंडामेंटल राइट्स एंड वी नीड टू इंप्लीमेंट एडल्ट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोल्जर हु इज सर्विंग द कंट्री ऑन द बॉर्डर राइट ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी हेल्ड किया है राइट right? अब एक और टॉपिक है हमारा एक इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डेली इट है फॉर दर प्रिजन सिक्सटीन डेथ पेनल्टी की एक रिपोर्ट रिलीज करता है अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की रिपोर्ट आई है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें क्या बोला है इन्होंने क्या फाइंडिंग्स आई है राइट right? इंडिया में 2022 में 539 थर्टी प्रिजनर्स हैं जो डेथ सेंटेंस को अवेट कर रहे हैं राइट ये 490 थे 2021 में सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ यूपी में है 100 एंड 32 टू वर इंपोज इन ट्वेंटी राइट उसके बाद स्टेट ऑफ गुजरात उसके बाद स्टेट ऑफ झारखंड ये एक ब्रीफ स्टेटिक है राइट अबाउट द डेथ पेनल्टी इन इंडिया डेथ पेनल्टी इंडिया में दी कब जाती है क्या लॉ है इसको लेकर के इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं राइट right? अब जैसे 2022 का डेटा है जैसा मैंने कहा सेंटेंस टू थाउजेंड 2016 में 400 था राइट इट बीन डिक्रीजिंग टाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग इट हैज

इन सर्टेन केसेस डेथ सेंटेंस इन इंडिया राइट नाउ इंडिया में क्या क्या लीगल इंप्लीकेशन है इस चीज को लेकर के हम लोग समझते हैं पहले डेथ सेंटेंस इंपोज कैसे की जाती है पैशन कोड जो होता है वो आपकी डेथ सेंटेंस को इंपोज करता है राइट इन इंडिया डेथ सेंटेंस इज इंपोज बाई दी ट्रायल कोर्ट और योर सेशन कोर्ट अब अंडर सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट जो भी हाई कोर्ट है रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इसे अफर्म किया जाएगा अगर हाई कोर्ट अफर्म कर देता है इसे तो इसे चैलेंज किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर अफर्म कर दिया फिर इसे वापस से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन एज वी ऑल नो अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकता है राइट अगर रिव्यू में भी ये चीज अपहेल्ड हो जाती है तो फिर एक क्यूरेटिव पिटिशन भी आती है सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल कर दी जाती है तो डेथ सेंटेंस अवार्ड कौन करता है आपकी ट्रायल कोर्ट उसे हाई कोर्ट अफर्म करता है अंडर सेक्शन 366 सीआरपीसी उसे चैलेंज किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू भी किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू करेगा इसे रिव्यू के बाद भी एक ऑप्शन बचता है क्यूरेटिव ये भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है राइट right? आगे बढ़ते हैं हम लोग अब डेथ सेंटेंस का प्रोविजन क्या है अंडर सेक्शन थ्री फोर ऑफ पी आर पी सी स्पेशल रीजन स्पेशल रीजन दिए जाते हैं कि भाई आप क्यों डेथ सेंटेंस दे रहे हो क्यों डेथ सेंटेंस इंपॉर्टेंट है इस केस में इंपॉर्टेंट रीजन दिए जाते हैं अंडर सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर ऑफ सी आर पी सी राइट स्पेशल रीजन राइट अब क्या यह कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है डेथ सेंटेंस डेथ सेंटेंस को लेकर के दुनिया भर में कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं बहुत से लोग इसे सपोर्ट करते हैं बहुत से लोग इसे सपोर्ट नहीं करते हैं राइट right? इंडिया में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द लैंडमार्क केस ऑन द डेथ पेनल्टी इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सही माना गया था कि इट इज ट्रू इट इज गुड इन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ राइट लेकिन एक चीज बोली गई थी कि सर रेयरस्ट ऑफ रेयर इसका मतलब होता है कि एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस में ही आप दोगे जो रेयर टू रेयर केस होगा मतलब जहां पर कोई रिपेन्डेंस के चांसेस नहीं है जो बहुत ही ब्रूटल मर्डर होगा फॉर लेट से निर्भया रेप केस दैट वॉज वेरी ब्रूटल एंड देट वॉज अ केस ऑफ रेयरस्ट ऑफ द रेयर राइट सो इन दैट केस डेथ सेंटेंस विल भी अवॉयडेड अब एक ये भी होता है कि डेथ सेंटेंस को अगर आपके पास सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो आप अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास अप्रोच कर सकते हो फॉर पार्डन। अगर प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 में आप अप्रोच करते हो तो इट इज अप टू द प्रेसिडेंट कि वो आपको एग्जन दें पार्डन करें या ना करें इट इज सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन अगर वो इसमें आपको रिजेक्ट कर देते हैं आपकी मर्सी पिटिशन और the pardoning petition, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता राइट इट्स टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अब एक और चीज आती है सामने की दो, दो तरीके के सर्कमस्टांसेस होते हैं पहला मिटिगेटिंग दूसरा एग्रोवेटिंग ये दोनों चीजें बच्चन सिंह में ही इंट्रोड्यूस हुई थी मिटिगेटिंग क्या होते हैं मिटिगेटिंग सरकमस्टांसिस वो होते हैं जो अक्यूज को सपोर्ट करते हैं जैसे कि सर उसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट है ना किसी कंपल्शन में उससे ऑफेंस हो गया ये सारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस हैं ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं ये अक्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे होते हैं एग्रेवेटिंग सर ये सर ऑफेंडर है इसे नहीं छोड़ा जा सकता सर इसकी आदत है इस तरीके के ऑफेंस करना राइट right? ये अगेंस्ट दी एक्यूज होते हैं और ये एक्यूज को फेवर करते हैं ये होते हैं ये एक स्पेशल रीजन का पार्ट बनते हैं अंडर सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर ऑफ सीआरपीसी राइट अब आगे बढ़ते हैं

ये भी है कि भाई ये इनह्यूमन है ठीक बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं आर्ग्यूमेंट्स इसके जो फेवर और अगेंस्ट में होते हैं एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर आर्टिकल ट्वेंटी वन तो बात करता है राइट टू राइट टू लाइफ की तो फिर स्टेट लाइफ लेता क्यों है तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि राइट टू लाइफ इज नॉट एब्सोल्यूट राइट इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन क्या है प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ लॉ है आपके पास प्रोसीजर इस्टैब्लिश है पूरा कि सेशन कोर्ट देता है हाई कोर्ट कंफर्म करता है उसके बाद आप इसे चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रेसिडेंट के आगे आप इसे चैलेंज कर सकते हो तो पूरा प्रॉपर इसके ऊपर लॉ बना हुआ है एंड राइट टू लाइफ इज नॉट एब्सोल्यूट राइट सो बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसमें इसे सपोर्ट किया जाता है और इसके अगेंस्ट में भी बोला जाता है जो हमारी असेसमेंट है किसी भी पनिशमेंट को लेकर के किस तरीके से डेटरेंस क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में तो उसके पीछे एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है इट इज नॉट द सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट इट इज नॉट द सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट इट इज द सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट जो कि डेटरेंस क्रिएट करती है इसका मतलब है आप बड़ी पनिशमेंट मत दो आप जो पनिशमेंट दे रहे हो छोटी छोटी उन्हें डेफिनेटली दो सो दिस इज वॉट हेल्प इन क्रिएट डेटरेंस इन आर कंट्री आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस टॉपिक uh, के ऊपर इस uh, वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगले वीक फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ थैंक यू सो मच